ढाका बंगाल, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, सूर्य दाल ब्राह्मण का घर, उसकी पत्नी का नाम सरस्वती, आग आलख जगा दी, उसने भिक्षा का हाल दी। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने सवाल कर लिया कि माई तेरा चेहरा उदास है, क्या कारण है? निवली बाबा जान दे भिक्षा लेर चाल तन के मतलब से। निवली हो सके मैं तेरी कुछ मदद करूं बाबा, तेरे गोसरी बात ना है। ये फिर भी बता, ये संत बड़े दयालु होते हैं, केवरा के परमात्मा के माया फेर दे, तुम तेरे मन की बता, तो अपने मन की बताती है। गुरुजी फूट के रो पड़ी, मतन के बताऊं की बात। ओ मैं कहूं जोड़ के आथ नाथ जी, ओ मेरी दिन कटती ना, ओए रात नाथ जी, ओए सब के तेल के बात नाथ जी, जग पांच बतावे से, जग पांच बतावे ओ सब कहते एक बात नाथ जी, जग बांझ बताओ है। नारी की शोभा है संतान, और आदमी की शोभा है रोजगार। कितना है मुंडा हो, रोजगार बढ़िया हो, सब ना अच्छा लगे है। कितनी है सुथरी लुगाई हो, कूख ना फड़ी हो, समाज में बात नहीं बनती है, सब बांझ बताओ है। ए जी पाप त करया नहीं सोती मैं, फेर भी ओ लाल नहीं गोती मैं, फेर भी ओ लाल नहीं गोती मैं, अरे तो दी मैं ए सिंगर बाकण जीना मुश्किल ओ के दाकण, फेर त अच्छी मैं समझो ना कण जण बतावे। ए जी नारी वंश की बेली बतावे,
सब बेटा ब्यावे कर के सब बेटा ब्यावे तल्या घर में कर रानी मने सुनी ब्राह्मणा की बाणी पुत्र के हाथा पे पानी पत्थर बिछावे से जगपाल बतावे नगरी सारी सुखते बसियो आस हमारी ये मूरख भी होके प्रचारी इसा ज्ञान लगावे से जगबाज बता ओ बार बार धन्यवाद महाराज। धनमाया की मौज है, सब बातों की मौज है घर में, पर घर में पुत्र नहीं है। निवलाई माई ऐसी विधि बताऊंगा त्रिकूक फड़ेगी, त्रिकूक से विचित्र बच्चा होगा। अरन्यू कहते हैं सरस्वती लखाई निवलिया बाबा मेरी कूक फड़ेगी, मेरी कूक तो बच्चा होगा क्यों होगा। कहते हैं गुरु मच्छंदर नाथ जी ने वो विभूति निकाली और निवला ले समय आवे ऋतु काल के बाद खीर का प्रसाद बनाना और ईश्वर की पूजा अर्चना करके अरिया बभूत उस खीर में मिला के इसको तुम ग्रहण करना विधि विधान से। नौवा महीने त्रिकूक से पुत्र पैदा होगा और मेरी बात सुन ले, 12 साल के बाद मैं दोबारा त्रिचौखट पाऊंगा और तेरे बेटे के दर्शन करूंगा। और इतनी बात सुनी वह बभूति ली और उसके तकते की दपा टेके वह बाजी गई अपनी सहेलिया में, वे सावित्री कमला बमला वे सारी इकट्ठी कर ली। निवरी ए सुनो ए उरे ना हो, ए उरे ना हो के बात ये गणी राजी और सरस्वती के बात से निवरी ए बेबे नौ महीना छोरा होगा। निवली किसका होगा? निवली मेरा होगा। निवली इतना कम ढूंढ भी ना होया क्यों के आ गया ऐसा क्यों कर होगा। निवरी ए सुन एक महात्मा आया उसने विभूति दी बहुति दी ने बोला के इसने ग्रहण कर और मेरा नौवा महीना छोरा होगा। संगत आदमी को हमेशा बढ़िया लोगों की करनी चाहिए, संगत की रंगत होती है। उस सरस्वती की संगत बढ़िया नहीं थी, वे सहेली ने बोली डटे कित बाप्या ही बात मारी है, ये घने जादूगर है, तेरा दिमाग खराब कर देंगे, तेरे धन लूट ले जाएंगे, तेरा सत्यानाश कर देंगे, गणी बाबिया की नहीं मान्या करते। 4 सहेली हैं उसकी और वे न्यारी न्यारी बात कहे हैं, चारों शाखाओं से उसने के कहे हैं। ओ सरस्वती गई डूब कति तन एक की लई भभूत ये सुन बात मेरी। सरस्वती गई डूब कति तन भूत ये सुन बात मेरी। नर माता की के जाना जब राख चढ़ेगी पूत ये सुन बात। सरस्वती गई
ये सुन बात रे धर माता की के जाना जब रात रही तू ये सुन बात रे सरस्वती गई रूप गति तन यही बहुत ये सुन बात मेरी
दननाथ की मेहर फिर ही वो देगा छंद धरण का होंगे अब तू ते सुन बात बोलिए बावली धन इज्जत संतान मान ये कर्मा के अनुसार मिले अर लिखे कर्म का भोग भोगना टाले तो भी नहीं टले अर इसे सुवादु रोज मिले गाड़ा मजूते सुन बात मेरी अर नर्मदा की केसा ना जब राख सने की पूते सुन बात मेरी राख तो छोरे हो आगर कदे किसना कलमारी है तेरी फिर दूसरी बोली है निबलिए उसने भिक्षा चाहिए थी वो समझा तेरा दर्द नहीं अर झूठी साची बात ना कदे होता शीना सरद नहीं निबलिए अंबीरा खा मर्द नहीं जा तेरा बैठ गया सूत ए सुन बात मेरी अर नर्मदा की केसा ना जब राख जाना की पूत ए सुन बात मेरी जय तेरा छोरा हो जान तू मन बता दिया हम भी घर तक काटांगे जब राख तय छोरे होंगे तो क्या खातिर का कड़े स्तर रखा जाए हम भी घर तक ताड़ेंगे उन मजाक फिर तीसरी बोली है निबली भोका शका जादू मंत्र कोई सा कबाड़ा कर देगा पागल के साल कर घर का के तवाड़ा कर देगा तेरे धन पदाड़ा कर देगा वे रोज करें कर तू ते सुन बात मेरी नर्मदा की केचा ना जब राख जाने की पूते सुन बात मेरी ओए न रंग चढ़ गया ओए रंग चढ़ गया उनकी बात मान के ढीला हमो करके उल्टी करना आ गया बबूत हाथ में वह गौ ने गोबर कर रखा था न्यू कह बबू तुम्हारी गोबर का मां अर गोबर जा लिया कुरुड़ी में समय बीतता चला गया सजनो दिन आगे दिन लाग रहे बीच बीच में सरस्वती याद भी करती रही कि कोसा तू आया तो था जो मेरी कूख फड़ने की बात कर रहा था पर फिर विचार लिकट जाता 12 साल के बाद जैसा गुरु मच्छंदर नाथ क्या कह गए थे मैं 12 साल बाद आऊंगा तेरे बेटे के दर्शन करने आऊंगा 12 साल के बाद गुरु मच्छंदर नाथ उसी घर के आगे आकर फिर अलख जगाई है हर केक के चार ले मारे हैं केक के काया है क्या दर्शा नाथन रे लोगो नगरी में करया परवे अलख निरंजन कह के ने उन दरवाजे बोलिया दे इस 12 साल के बागनाथ ने नगरी में कर्या प्रवेश अलख निरंजन कह गए ने उन दरवाजे बोली आदेश पहला हिला मारिया है के कहया है ये रमता जोगी बहता पानी अरे रमता जोगी बहता पानी एक जगह ना टट्या करे मन का मणिया सांस की डोरी
शिव 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 रट्या करे। कौ ब्राह्मण साधु की सेवा दान से धन ना घटिया करे। लिखे हुए कर्मों का खाता न्यारा न्यारा छटिया करे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व जोगी बैठा पानी एक जगह आनंद रटिया करे। क्योंकि सब पानी से चल नहीं इकट्ठा हो जाए तो वो खराब हो जाता है। साधु अगर देशा ठन पर नहीं रहे पूर्ण ज्ञान होने से पहले तो संसारी विकृतियां फिर आ जाती हैं। रमता जोगी बैठा पानी एक जगह आनंद रटिया करे। मन का मणिया सांस की डोरी शिव 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 रटिया करे। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा दान से धन्ना घटिया करे। लिखे हुए कर्मों का खाता न्यारा न्यारा छटिया करे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घूम काया सारे देश अलख निरंजन का कहने दरवाजा बोली आदेश। परे लीमा ना को आवाज आई ना को मानस आया। गुरु मच्छंद्र नाथ ने फिर दूसरा इल्ला मारिया है के काया है। लाख चौरासी जिया जून में लाख चौरासी जिया जून में मानव की उत्तम काया है। एक दिन सारी खप जागी यदि खे नसवर माया है। दरवाजे पे आ जा माई नाथ आस कर आया है। चालाक मत बनो ये मच्छंद्र नाथ की विभूति है या खाली नहीं जागी। जो विभूति दे के गया था वो सामर्थ हुई होगी। बच्चे का जन्म जरूर हुआ है डेफिनेट टल नहीं सकता। पर ये अलग बात है तुम उस बच्चे को छुपाना चाहते हो। अरमाड़ा खड़िया बताऊं सू बच्चे की उम्र 11 साल से ऊपर ऊपर है कम नहीं है। और जैसे मेरा वरदान खाली नहीं गया अगर उसने मेरे सामने पेश नहीं करोगे तो मेरा क्रोध जगेगा। क्रोध जगेगा तो मैं श्राप देऊंगा। श्राप देऊंगा जैसे मेरा वरदान खाली नहीं गया मेरा श्राप भी खाली नहीं जागा। तीसरी कली में फिर हल्ला मारिया है। सुप्रम विभूति कई तेरे को तेरे को कैसा करया कमाल बता। नाथ का वरदान टले ना करके जल्दी ख्याल बता। 11 साल ते कै दिन ऊपर का हो रहा सलाल बता। बाहर लकड़ के सरस्वती और ब्राह्मण सूर्य बता। क्रोध जगे
प्यार कर दे ओ साथी बहुत बढ़िया वाक सफलता ईश्वर ने जिनको प्रदान की कुलदीप भाई स्टेज सेक्रेटरी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद पूजनीय गुरुमूर्ति बाबा भजननाथ जी 100 रुपए से आशीर्वाद दिया गुरुमूर्ति के चरणों मेरा बार बार प्रणाम सुमित हमारे सत्संग परिवार के साथी हैं 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान किया 100 रुपए का स्पेशल इनाम भाई कपिल की कलाकारी पर कपिल के नाम बार बार धन्यवाद धन्यवाद अगर एक भी बोल समझ नहीं आए तो कविताएं भी खराब अरगानियां भी खराब बसरते कि आप चेतनों को सुनने वाले हो यहां तक की कथा का मोरल क्या है वो इस कली में है बोला भोला पार्वती चाले जा देवा पार्वती निवली हे महाराज हे भोलेनाथ हे तीन लोक के नाथ निवला के बात यो तेरा भगत से निवला से निवले महाराज यो तेरा भगत से टोटे मरण लाग रहा निवला यो इसका भाग है कर्म है निवले तेरे भगत का के कर्म से तुम बदल दे निवला पावली मैं भी नहीं बदल सकता क्यों नहीं बदल सकता इन्हें धन दे दे के भाग में कोने ने कून दे दे निवली तू दे दे निवला मैं भी नहीं दे सकता निवली दे क्यों ना सकता के बात निवलियो राय राचालिया जा से इसके आग का धनमाल गिरते उठा लेगा शंकर भगवान अशे निवलिया पार्वती यो नहीं था होगा इसके भाग में कोनिया क्यों नहीं था होगा तू गिर दे जद कर दी अरे को है शंकर भगवान ने दो किल्ला मा गई हीरे मोती पन्ने जवारात नु बखेर दी धन माया अरे उल्लू का पठौड़ो सी आगे नहीं सोचने लग गया वो आंधे तो बहुत दुख पाते होंगे आंधे क्यों कर चलते होंगे अंधा बन के चलन लग गया न्यूर न्यू करके इतना माल खत्म नहीं हो लिया इतना चल नहीं गया सरस्वती के घर सब के मा गया था चौखट भी तेरे बाघ में नहीं था ठोकर मार दिया अपने चौथी गली लाल बता और बाहर लकड़ सरस्वती और ब्राह्मण सूर्य दयाल बता मेरे क्रोध जगह में श्राप दऊं पलम पलिया कर दो पेश और ये श्राप का जिक्र सुनिया जब सरस्वती के कान में बोल पड़े हे परमात्मा वाह आवाज जो कभी 12 साल पहले मेरी चौखट पर आई थी और वह सरस्वती बाजी आई है
और आकर जो शामी बाबा देखा एकदम त्योर पत्थर आ गया। क्यों? उसने बाबा को पहचान लिया कि ओए बाबा से तो 12 साल पहले आया था। और बाबा ने सरस्वती को पहचान लिया, हे माई, हे महाराज जी, आप तू मेरे को पहचानती है? हाँ महाराज जी, आज से 12 साल पहले मैं त्रि चौखट पर आया था। आए थे महाराज जी, आए थे। तू पहचानती है? हाँ। ओ आज 12 साल का अरसा उन बातों को बीत चुका है। हमारा जी, ओ 12 साल के बाद नाथ ने आज अटके चक्कर लाया। और चक्कर खागी सरस्वती कहा, हे राम तेरी माया। बारह साल के बाद चक्कर लाया, और चक्कर खागी सरस्वती और कहा राम तेरी। पक्की डेफिनेट बात कर दी कि मैं वो ही हूं जो 12 साल पहले आया था, तेरे बेटे के दर्शन करने आया हूं। 12 साल के बाद नाथ ने अटका चक्कर लाया, चक्कर खागी सरस्वती कहा राम तेरी माया। चक्कर खागी सरस्वती और कहा राम तेरी माया, एकदम पीला चेहरा पड़ गया। चक्कर खागी और पड़ती पड़ती का हाथ गुरु मच्छंद्र नाथ ने पकड़िया है। ओस्कर माई, ओस्कर माई, ओस्कर माई, ओस्कर माई, ओस्कर माई, ओस्कर माई, क्यों आंख जमा तेरी मेचगी। चक्कर चढ़ गया, चक्कर चढ़ गया, आया पसीना चेहरे पे जरती रचगी। तपका खेल, तपका खेल, तपका खेल बनाया से तन, तपका खेल ये बनाया से मेरे कुछ कुछ ऐसी चचगी। तेज देखक है, तेज देखक है, बाबा जी का एकदम जाड़ी चचगी। ओ तेज देख रहे एकदम जाड़ी चचगी। मंत्र बोले मंत्र बोले आप नाथन, मंत्र बोले आप नाथन, मंत्र बोले आप नाथन। हर मुंह पे जल छड़काया, झटका लेके बैठी होगी फिर हो ससाया। 12 साल के बाद चक्कर लाया, चक्कर खाएगी सरस्वती। बोझल छिड़काया, झटका लेके बैठी होगी फिर हुसाया, फिर हुसाया। जब हुसाया तो फिर काम की बात पॉइंट टू पॉइंट शुरू कर दी बाबा ने। के कर दिया एक करे वचन पे 12 साल में, करे वचन पे 12 साल में, फिर दोबारा आया चाली। धन दौलत जागीर चरण में कर्म की माफी दे। तब
तन कुणसी विधि कुणसी विधि कबूती खाई किसा विचित्र जन्म्या लाल संगत की रंग तो बबूती मन गोपर अंदर जो बबूती मन तेरे को दी हाँ महाराज गोबर में डाल दी मन तनवा गोबर में डाल दी हाँ संगत की रंग तो बबूती हो गोबर अंदर फिर आशे नाथ जी एक बसे में फिर आशे नाथ जी तन गोबर कड़े पकाया बारह साल हो लिए नाथ जी कुरड़ी में फकवाया नाथ जी तो ना गोबर कड़ा बगाया बारह साल होली नाथ जी कुरड़ी में भगवाया कुरड़ी में हाँ कुरड़ी में विचार किया मच्छंदर नाथ जी ने फिर विचार करके निवला ए माई तेरा दोष नहीं है ये जीव कर्म के बंधन में है तुम्हारी बात सुने तेरा भी को दोष नहीं रूप जवानी भाग और विद्या को शक है दूसरा होश नहीं जल्दी चल तू जल्दी चल वह जगह देखा करना ज्यादा रोश नहीं बाहर नगर ते तेर बढ़िया से चलना पूरी कोश नहीं चलना पूरी कोश नहीं एक हाथ में करमंडल जे में सोटा ठाया और आगे है तोड़ी सरस्वती के चीता कदम बढ़ाया बारह साल के बाद शंकर लाया बढ़िया होनी चाहिए किसी का प्यारा बने तो प्यार की परिभाषा का पता होना चाहिए एक वचन बनी गए बोले प्यार जाने कोई कोई मती सबकी न्यारी न्यारी प्यार करना जानती है केवल एक मैं तारी पिता चा वो बेटा बने थानेदार पटवारी सोगर देख देख लिया स्वार्थ की है दुनियादारी काम मद लोभ बस है ये लोग कहे उसने यारी मात पिता मित्र गुरु कर्म से कहे सनारी फिर जो बेमाता ने कर दी जारी उसने कौन मिटावे यार तो वो एक को साढ़े क्यों सो यार गणा हुए इन सोवा में कोई यार नहीं मन वो सर जाओ प्यार की परिभाषा जग में कोई कोई जानता है ये दुनिया समझे प्यार जिसको यही तो अज्ञानता है
अरे ईश्वर का स्वरूप इसमें जो कोई पहचानता है, प्यार और भगवान में तो बिल्कुल ही समानता है, आत्मा परमात्मा में प्यार की प्रधानता है, प्यारो अर्थ्य में नहीं ऊंच नीच मानता है, फिर जो पक्की मन में ठानता है वो जरूर एक दिन पावे यार, तो वो एक को सड़क सो सो यार गिनावे, सवा में कोई यार नहीं ओचरत सावे। अरे प्यार वो सागर, प्रेम वो सागर, जिसकी एक बूंद भी किसी ने चख ली वो नाम अमर हो गया कभी मिटा नहीं, जैसे 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 धन्ना जाट रंग रंगया देख कर नूर तू है, नामदेव मस्त है बनका या कूर तू है, अरे मीरा की मोहब्बत बस्ती पत्थर में जरूर तू है, टकटकी लगाए बैठी सबरी आली घूर तू है, नानक और कबीर बैठे भजन का सुरूर तू है, फिर ध्यान तो लगा कर देख आनंद दे भरपूर तू है, अरे नहीं किसी से दूर तू है पर किस किस ने समझावे यार, तो वो एक को से क्यों सो सो यार गिनावे। अरे झूठा ना सहारा कोई तेरा ही विश्वास है, झूठा ना सहारा कोई तेरा ही विश्वास है, रोम रोम रम्या हुआ मान्या सत प्रकाश है, श्री दयानंद पिताजी मारी माता जी कैलाश है, साजबाज के अंदर प्रभु तेरा ही तो वास है, दादा जगन्नाथ ने भी भजया सांस सांस है, रणबीर सिंह गुरु की दया गारा विकास है, उस सच्चे यार की आस है, दुनिया नहीं सुहावे यार, तो वो एक को से क्यों सो सो यार गिनावे। अरे कोई किसी का प्यारा बन रहे धोखा नहीं कर रहे, कोई प्रेम नहीं हो प्यारा किसा हो सर, प्यार प्यार में किसी भावना हो सब से, ये समय पे प्यारा मात पिता, ये समय पे प्यारा मात पिता, और समय पे औलाद हो से पूरी संगत के कारण जग में ये कितने घर बर्बाद हो से, कर्मों से तकदीर बने तकदीर से ज़्यादा दे हो से, जगन्नाथ दादा जगन्नाथ वह कहानी चाहिए जो कंठ कविता याद हो से, विकास कहे नित पढ़े चानना, विकास कहे नित पढ़े चानना, सतगुरु शीश झुकाया और आके थोड़ी सरस्वती जाके स्थान बताया, बड़ा साल के बाद नाथ ने अपने चक्कर लाया, वो चक्कर खाएगी सरस्वती गया राम तेरी माया, और चक्कर खाएगी सरस्वती गया राम तेरी माया। यारा मात पिता समय पर औलाद उसे, बुरी संगत के कारण जग में नित कितने घर पर बाद हो से, कर्मों से तकदीर बने तकदीर से ज्यादा दो से, कह जगन्नाथ वागानी चाहिए जो कंठ कविता याद हो से, विकास कहे नित बड़े चांदना जा सतगुरु शीश झुकाया, सरस्वती तेजी तो दौड़ी जा स्थान बताया, क्यों बाबा ने कह दी थी बभूति जहां भी पड़ी होगी ये मेरा दावा है जीव वहीं से सामर्थ हो जाएगा, सरस्वती ने बोली बाबा तू छोरा उनकी कह था कि छोरा जित भी पड़ी होगी बभूति उड़ाए हो जाएगा, निबली उड़ाए निबला उड़ाए हो जाएगा, निबली बाबा बभूति तो कुरुड़ी में पड़ी है, निबला कुरुड़ी मां कभी हो जाएगा, अग दौड़ी सरस्वती बाजली पागल होगी कुरुड़ी एक बाजली, और पाछे मच्छंदर नाथ जी विचार करते चले हैं, क्या विचार किया है एक एक बोल सुनना क्या लिखा है, धन्यवाद भाई। मच्छंदर नाथ जी विचार करते चले हैं, देख भाई प्रकृति क्या खेल खेलना चाहती है, नाथ संप्रदाय की स्थापना विष्णु भगवान के आदेश से हुई थी, और बिना गर्भ के एक नहीं निरे उदाहरण लेख में भरे पड़े हैं जिन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए उनसे अलग, वो तो एक अलग चैप्टर है उस बात को छोड़ दो, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए उनका जिक्र छोड़ दो, और अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने बिना गर्भ से जन्म लिया है, उनमें से एक गुरु गोरक्षनाथ जिनकी कहानी चली हुई है, गुरु मच्छंदर नाथ जी का जन्म भी इसमें खोलिया है, क्या विचार करते चलते हैं क्या लिखा है, हो रटे ओम अनादि
हाथी मछंदर दाए भाई गुरु मच्छंदर नाथ महाराज की हो। भजन को सुनना हो रट ओम अनादि नाथ मच्छंदर रट ओम अनादि नाथ मच्छंदर ओ हो तप के बल का मुंह बदल के तप ही बड़े बताए रे रट बल कानून बदल के तब ही बड़े बताए पहली कली में मच्छंदर नाथ जी के जन्म को खोल जाए कहते हैं मछली के पेट से जन्म हुआ था इसलिए उनका नाम पड़ा था मच्छंदर नाथ अर्निको शंकर भगवान माँ गोरा को तत्व ज्ञान सिखाने के लिए जब समुद्र तल पर लेके तट पर लेके जहां कोई नहीं था पर मछली पड़ी थी उड़े और मछली के पेट में स्वयं कवि नारायण जी स्वयं मच्छंदर नाथ जी अरे गोरा माँ तो सो भी गई रुआ मछली के महा कहो कारी आए गए पाछ देख के जब अपनी दिव्य दृष्टि से शंकर भगवान ने देखा तो सारा खेल समझा और करप मैं ज्ञान दे दिया निबला जब भी जन्म हो दत्तात्रेय महाराज की शरण में चले जाना तुम्हारे जीवन को दिशा मिल जाएगी बोल शंकर भगवान की क्या लिखा पहली गली में शंकर ज्ञान ब्रह्म का सुनाए ओ गोरा माँ को शंकर ज्ञान ब्रह्म का सुनाए ओ गोरा माँ को शंकर ज्ञान ब्रह्म का सुनाए रहे मंत्र सारे मंत्र सारे मछली माँ के कानों में भी जाए रहे आप हर की माया रूप ब्रह्म का बनाए रहे और शंकर आदेश गुरु दत्तात्रेय बताए रहे शंकर आदेश गुरु दत्तात्रेय बताए रहे शंकर आदेश गुरु दत्तात्रेय बताए रहे अरे मछली माँ से जन्म हुआ उसके लिए कली है ऐसा सुनो प्रकृति को चाहिए कुर्बान आदमी कुर्बान न्योछावर आदमी प्रकृति को मतलब नहीं है वो कुर्बान बालाजी पे से वो कुर्बान कृष्ण जी पे से शिव जी पे से गोरखनाथ पे से अल्लाह पे से गुरु पे से गोड पे से प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं है उसने कुर्बान आदमी चाहिए चाहे वो क्या है पोहरिया हो दूसरी गली गुरु बिना ज्ञान कोई ना विकल्प सच्चे गुरु बिना ज्ञान कोई ना विकल्प सच्चे गुरु बिना ज्ञान कोई ना विकल्प सच्चे गुरु बिना ज्ञान विभूति तो खाली जाना ऐसा मेरा मानना है विष्णु का आदेश सही दूध नीर छाता है
का जाना ओ बरसाल हो के हाल हाथी का जाना ओ बरसाल हो के हाल हाथी का जाना एक परिक्रमा दी चोगर देने परिक्रमा दी चोगर देने थोड़ा जल छिड़का है रटो अना कल्प सच्चे गुरु बिना ज्ञान ना है विभूति तो खाली जाना ऐसा मेरा मानना है विष्णु का आदेश सही दूध नीर छानना है और 12 साल हो गए हाल नाथ जी का जानना है एक परिक्रमा दी वो ढेर पड़ा था गोबर का कुरड़ी जो थी एक परिक्रमा दी चोगर देने थोड़ा जल छिड़का ऐसा माधी लागे बैठी है और सारी नगरी में रुका पड़ गया एक बापा राजनी को से कुरुड़ी मांगे छोरा होगा सारी नगरी चमत्कार देखण बाजली है उड़ कौन कौन आचर था क्या नजारा है उए चमत्कार ओ हो चमत्कार देखण खातिर नगरवासी दौड़ रहे हो रचाने वाले लगा अपना जोड़ रहे देवी और देवताला दर्शन खातिर हो देवी और देवताला दर्शन खातिर हो देवी और देवताला दर्शन खातिर हो रहे नाथ के नाथ बाबा गांव फूल बगीचे से तोड़ रहे हे माता और सरस्वती साक्षी खोल रहे श्री नाथ पैदा होंगे हाथ सभी जोड़ रहे श्री नाथ पैदा होंगे हाथ सभी श्री नाथ पैदा होंगे हाथ सभी जोड़ रहे धर्मराज यमराज खड़े ओ धर्मराज यमराज खड़े काल विशेष झुकाए रंडो अदा धर्म की सुनाए सत्य का प्रचार कथा धर्म की सुनाए सत्य का प्रचार कथा
विकास कहे वो सत प्रकाश, विकास कहे वो सत प्रकाश, जो आप ही छंद तेरी एक एक बाणी होगी, सोए हुए आर्य की आत्मा जगानी होगी, अरे सत्य का प्रचार कथा धर्म की सुनानी होगी, अरे पाखंड को भगाओ नई चेतना फलानी होगी, अरे गौ संत बचाओ ना तो सनातन को आनी होगी, अरे पास और में बने कविता दुनिया के माँ गानी होगी, अरे विकास कहे वो सत प्रकाश, जो आप ही छंद बनाए रटो मनादी नाथ मछंदर दाए। सारा नगर जुड़ गया। अरे बाबा मच्छंदर नाथ पलाथी मारे बैठा है। निमला भाई अगर जी सामर्थ हुआ हो, अगर बभूति ने काम किया हो और जी सामर्थ होया हो तो भाई अपनी हाजरी दे। गुरुजी प्रणाम। आवाज आई सजनो। गुरुजी आपका जीव सामर्थ होया और मैं ये दुनिया देखना चाहता हूँ, आप मुझे इस कुर्डी से बाहर निकालिए। निवला गुरुजी जीव सामर्थ हुआ, आपकी बभूति ने काम किया, पर गुरुजी मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, मेरे ऊपर से ये ढेर हटवाइए। ऐसा सजनो सारा नगर खड़ा था। निवला भाई के जैसी भी चल रही थी, जबकि जैसी भी थी, निवला भाई हाथ से बड़े आराम से इस ढेर को हटाया जाए, इस ढेर को बड़ी सावधान। अरे को उड़े सरस्वती खड़ी, उड़े ब्राह्मण सूर्य दयाल खड़े, उड़े की सहेली खड़ी जो लपना जो तर तर कर रही थी, नहीं तेरा नाश कर देगा, तेरा मठ मार देगा, वे भी सारी उड़े खड़ी हैं। अरे बदलत्या के लागे है, बदल भी तुरंत जा है, ये जमाना रंग बदलता है, जो जकर बीच मार जाएगा। सजनों वो जब ढेर हटाया उनका गर्दन गर्दन बाहर लकड़ी थी, इतना दिव्य अद्भुत प्रकाश चमक उसके चेहरे में रोशनी लिखड़ी थी, सब के हाथ मसलता रह गया। अवतार हुए
सुगोवर्धन जमनाथ जी अवतार हुए, बोले अरे कुरुड़ी ने भी लाल जनिया निफारा जचकार हुए पली गली। ये प्रकृति उड़ छोकर देना, प्रकृति उड़ छोकर देना, जोड़े हाथ खड़ी थी देवताओं ने करी सराना, फूलों की लगी झड़ी थी नाथ की करामात देख, कुरड़ी भी करी मड़ी थी चक्कर खागी सरस्वती चिल्ला की डार चढ़ी, सरस्वती चिल्ला की डार चढ़ी शरीर बनया था। क्या लिखा जैसे गर्भ बीच में लगी समाधि, गर्भ बीच में लगी समाधि नाचन चलता एक रती, पूरी काया की संरचना पूरी चल रही श्वास गति होनी बनी ओण की खातर, ओणी बनी ओण की खातर कर देती है भंगमती, सूर्य दयाले पिता होना था माँ होनी थी सरस्वती, सूर्य दयाले पिता होना था माँ होनी थी सरस्वती, ये पूत बटे थे परिवार हुए एक रति, पूरी काया की संरचना पूरी चल रही श्वास गति ओणी बनी ओण की खातिरे कर देती है भंगमती, सूर्य दयाल पिता होना था माँ होनी थी सरस्वती, वे जन्यू कहते हैं ये डूब जा ये तेरा नाश करेगा हे बबू, वे न्यू कहने लगी
कति डूबगी है, देख कितना दिव्य बालक है। इनका सूर्य दयाल पिता होना धर्मा होनी थी सरस्वती निवलिए पूत बटन थे जबकि सो थी ना पूत बिना परिवार होए वे पलट के पलटते के लग है घर न देख लो रोज उदान दया हा इतने बापू जवान रे है और छोरा बालक रे है इतने माँ बापू वाले पाले में रे है अर छोरे ने कहा ढेर तेरे बाप ना लेने तेरे अटन तड़वाऊंगी के तुम पाल करे है अर फिर बाबू बूढ़ा हो जा छोरा जवान हो जा पटते ही पाला बदल जा छोरे गेट चली जा फिर धनी ने कहा कि टट जा छोरे ना आंदा के छाती पे चढ़ रिया था सांझ के लिए एकदम न्यून हो जा रे जब बदल जा जमाना से ये जमाना रंग बदलता है रोज सुबह को चढ़ के सूरज शाम को डलता है ये जमाना रंग बदलता है जिसने समझा सबसे प्यारा वो भी एक दिन हो जा न्यारा एक बगीर का फेर दोबारा कौन संभलता है ये जमाना रंग बदलता है बेटे तो हो बेटी प्यारी न्यू जाना से दुनिया सारी ये बात न के को मन न सामने बुझ माता था बेटे बेटा प्यारा बेटी क्यों कर प्यारी नहीं बोला रो पावड़ा नहीं बेटी की सोच घनी हो समा क्यों हो से निवला मलंग जा रहा हो बारे रात न 10 बजे ताई ना आवे चिंता ना बनती और बेटी जा रही हो बारे और दिन 6 बजे 8 बजिया कालजा धकड़ धकड़ कर छोरी कड़ गई इतना फर्क से बोला छोरे का इतना नहीं होता बेटे तभी बेटी प्यारी न्यू जाना या दुनिया सारी बोला रे वाह भी एक दिन हो जा न्यारी ना काबू चलता है ये जमाना रंग बदलता है रोज सुबह को चढ़ कर सूरज शाम को डलता है निवला गाना होता रिगुण गाले वो कुछ गाना नहीं है खिड़की खोल देर रोड़ी मार देर समझ गए हो गए गाना हो तो हरिगुण गाले और खाना हो तो गम को खा ले और जोत से जोत मिला ले पल पल वक्त निकलता है ये जमाना रंग बदलता है निवला रे जगन्नाथ तुम साल देख के ये ऊंची नीची गाल देख के और इस दुनिया का हाल देख के मेरा हृदय जलता है जमाना रंग बदलता है रोज सुबह को चढ़ के सूरज शाम को डलता है जब वो सारी ढेर हटा दिया रुखी समाधि लागरी फिर मच्छंदर नाथ जी उठे हैं और सर्प का हाथ फेरिया है निवला भाई आँख खोल चेतन हो आँख खोल जाते न्यू कह होगी आख्या मांग पलड़ पलड़ पानी पड़िया था दोनों आख्या मांग निवला भाई न्यू नहीं और ऋषि कली में नामकरण भी कर दिया है नाम भी रख दिया है क्या कहा है सूर्य पुत्र आंखें खोलो सूर्य पुत्र आंखें खोलो सूर्य पुत्र आंखें खोलो चेतन कर गात सुनो दुनिया में इतिहास बनेगा काबू कर जज्बात सुनो भूत मिला दी भूत मिला दी कोपर में बभूत मिला दी कोपर में ना धरती गोरखनाथ सुनो करना है प्रचार जगत में सिद्ध संतों के साथ सुनो प्रचार जगत में सिद्ध संतों के साथ सुनो अरे इसी घड़ी पे इसी घड़ी पे रोज सतहना पोता मर मर संसार हुए तू आ
हरेक आदमी हरेक प्राणी हरेक आदमी खुशी की तलाश में है, गलत तो कोई भी नहीं है, ये अलग बात है। न्यू ना बेरा खुशी कड़े में लगी बेचारा भाजा भाजा हंड है, अड़े में लगी पीछे में लगी पद्म में लगी और सुंदर नारी के साथ रहने से मिलेगी कोठी बंगलिया मिलेगी बेरा कोन्या। और चम्मा कर लियो कितना बड़ा पद मिल जाओ कितना पीसा हो जाओ कितना कुणबा हो जाओ फिर भी एक बेचैनी रहती है कि मैं कमी रह जाते सब कम करके भी। मेरी ताई वह कमी है परमात्मा की, जब तई उस तो नहीं जुड़ेगा शांत नहीं होगा, भौतिकवाद में शांति नहीं है, शांति बनेगी उससे जुड़ने पर। आखिरी के लिए फिर जकर आ जा भाई वो जो बताऊं था अग भाई फिर समझ में क्यों कर आओ, नहीं तो जन्म में खराब हो जाएगा, एक नहीं हो जाएगा हजारों लाखों जन्म हम खराब कर चुके। बार बार हम सतयुग में भी हम थे, त्रेता में भी हम थे, द्वापर में भी हम थे, कर्मा के अनुसार हम मानना था। दो स्थिति में होता है, या तो आपका प्रारब्ध हो मीठा, या तो आपका प्रारब्ध हो पिछला आपका इतना, जैसे ध्रुव का था, ध्रुव ने 5 साल गिन पा गया था, 5 साल गिन के कर दिया था। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो अंतकरण साथ निकलता है, अंतकरण है इंजन जो इस बॉडी में डला हुआ है जो इसको चलाता है। अंतकरण में आती है 4 चीज, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये 4 चीज आती है। इस अंतकरण ने चाहे मैला कर लियो और इसने चाहे साफ कर लियो, यो आत्मा की गैल लकड़े है। और अगली बॉडी जब मैला हो उसमें यो इंजन न्यू को न्यू फट हो जाए, जो इसने मैला कर लियो तो मैला फट हो जाए, को छोटा है चोरी करण लग गया है, छोटा है डाकी और बुरे कर्म का, को छोटा है राम के नाम, वो पिछला इंजन जिसा करके छोड़ दोगे ईसाई में लगा न्यू करके न्यू अब जो जुट जाओ जब काबू आओगी बात ना होगी नहीं। एक आदमी न्यू नहीं कह दे मरती हूँ राम का नाम लिगड़ जानी सुधे स्वर्ग मजा माँ, बात तो सही है पर जिसने सारी उम्र नहीं लिया से नुस्तन नहीं लिया जागा आखिरी में। एक लाला जी बका दिया था, लाला जी मरती हूँ मुंह तो राम का नाम लिगड़ जानी स्वर्ग मजा निबलाट धंधा करेंगे मृत्युण ले देंगे नाम। एक निर्लाला जी मृत्युण एकदम क्यों कर ले देगा, एक छोरा था उसका नाम राम धर लिया, दूसरे छोरे का नाम कृष्ण धर लिया, निबला मरूंगा जब छोरे हम तो बुलाऊंगा कि तो राम राम करूंगा कि कृष्ण कृष्ण स्वर्ग में जाऊंगा। सारी उम्र अच्छे बुंडे कर्म करे खूब व्यापार करया, बूढ़ा हो गया खाट में गल गया दुकान पर राम कृष्ण का कब्जा हो गया, और सांस अटक्या रहे दवाई पर दवाई चल गलू को चल आंख लकड़ी रहे जी नहीं लकड़े, राम राम करे कृष्ण दुकान पर है तो राम सेवा में रहे, राम दुकान पर है तो कृष्ण सेवा में रहे, जुन उसा सेवा में रहे उसे का नाम भजे जा बेटा राम 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 राम, आंख लकड़ी न जी ना लकड़े बेटा कृष्ण 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 जी ना लकड़े। कति सांस टकरिया एक दिन कृष्ण ने मिला फोन ने बोला भैया राम दुकान से जल्दी आ जा आज गिरा बापू मरेगा, कति सांस टकरिया से अरे वाह जा उड़े तो राम दुकान बंद करके घर कैडे, और कृष्ण कृष्ण कर रहे था सांस अटक रहा जीभ पलट रही और आंख लकड़ रही जी नहीं लकड़ है, और जैसे ही राम भीतर बढ़िया और लाला जी ने देखा को और आदमी आ गया माथा हाथ लाके निबला राम खोरो दोनों वाड़े सब दुकान पर खून से न्यू कहते फक दे ही जी लकड़ी गया। मतलब जिसे ना सारी उम्र जो काम करिया था आखिर में वाह वृत्ति आओगी वह लकड़ती नहीं ई विषमण मातोगे नीप तो मौत को बड़ी आसानी से गले लगा लोगे, मरती आने तकलीफ नहीं होगी क्यों बेरा लग जाएगा। ड्राइविंग से जो खोट में है अच्छा देखो पट्टिया करते नहीं, जब हिसाब वाले मैथ आड़े थे किसी ने साइंस आड़े थे किसी ने इंग्लिश आड़े था बड़ा डर लगता, और उसका काम नहीं करके ले जाते नहीं उसकी घंटी में भी डर लगता, फिर नहीं सोचते आज यो आज अंग्रेजी वाला साइकिल पर कपड़ गया इसकी टांग टूट जा जमा नहीं आवे, मन को देख आदि कितनी चतुराई है खोट में आपसे टांग उसकी टूट जा है? मरण तभी वो डर है जो खोट कर रहा है, जिन्हें खोट नहीं कर रखा दड़ा के चल भाई ये तो ऊर्जा का रूप बदलना ही है दड़ देनी चल लगा, पर जिसने खोट कर रखा वो नहीं सोचते कदे आमना सामना हो ये नहीं। किसी की दुश्मन है दुनिया किसी को दिल से प्यारी है उसी की है रहेगी भी ये जिसको रास आ रही है,
कोई परेशान है इतना, वो अपने आप मरता, किसी का दुनिया छोड़ने में कदे भी जी नहीं करता, कोई संसार ने तज के फेरे जा बण में बेचरता, वो सब का सौदा सब ने दे, वो एक ऐसा पंसारी है उसी की है रहेगी भी ये जिसको रास आ रही है। कह जगन्नाथ इस जग का केवल एक विधाता, उसके पास है सबके करे कर्मों का खाता, और उसके पास जाने से फिर तू क्यों घबराता, वहां पर जाना है ना चाहता, जरूर कोई और बीमारी है उसी की है रहेगी भी ये जिसको रास आ रही है। या तो आपके प्रारब्ध में हो और या कोई पूरा गुरु मिल जाए और उसकी दया हो जाए तो ये ब्रह्म चेतन हो जाए या सत्संग से हो जाए, ना तो रास्ता नहीं है। चौथी कली में क्या लिखा है बोल शंकर भगवान जी। जय हो। ये चेतन कर दिया ब्रह्म गुरु ने, चेतन कर दिया ब्रह्म गुरु ने, ओ नाथों के नाथ जी, समय चेतना जगत जगाना जप तप दे खुबात जी, सोना कर दे सफर से इसी ओ पारस की जात जी, विकास कह मैं के बतलाऊ सिर्फ पै फेरा विकास कह मैं के बतलाऊ सिर्फ पै फेरा सतगुरु जी की, ओ सतगुरु जी की दया बिना गुण का दे किक पर चार होए किन्ने सागर का सुगर दे नाथ जी अवतार होए, ब्रह्म गुरु ने हो नाथों के नाथ जी, स्वयं चेतना जगत जगाना जब तब दे खूब हाथ जी, सोना कर दे सप्रस से इसी हो पारस की जात जी, और विकास कहे मैं के बतलाऊं जब मेरे शर पर फेरा हाथ जी, और सतगुरु जी की दया बिना कुण गादे कित प्रचार हुए, अरे कुरड़ी ने भी लाल जनिया सारा जय जयकार हुए, उस बालक की आंगली पकड़ ली सरस्वती कल की मारे से बाबा बन दे दे मेरा से निवला डट देखा तो तूने गाथा तेरे तशमड़ा नहीं या तेरे भाग की बात है दूर हो ले, परमात्मा का भजन कर कदे अगले जन्म में माँ बने की बात खत्म कर दे, छोड़ के अरले के गुरु गोरख गुरु मच्छंद्रनाथ जी गोरखनाथ उस बाल रूप में और अपने गैल तीर्थों पर घुमाया सारे का घुमाया, गुरु इस ढंग से परीक्षा लेता है कि उसका बेरा नहीं लगता, बोले उसकी लाठी में आवाज नहीं होती ईसा गोला लाठी ला के घेरे थे, सारे तीर्थों पर घुमाते रहे पैदल पैदल चलते रहे, एक काम था एक नगरी में एक रात रुकया करते थे, ऐसे किसी का नाम नहीं होता, एक नगरी में एक रात रुकते थे, सुबह जैसे ही होती तो भिक्षा लेकर आते नगरी से भोजन ग्रहण करते और आगे चल पड़ते, एक रात से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। कहते हैं सजनों उत्कल नगरी में गुरु मच्छंद्रनाथ बाल रूप में गोरक्षनाथ दोनों रुके हुए थे, सुबह का समय हुआ मच्छंद्रनाथ जी ने परीक्षा लेनी थी, निवला गोरक्षनाथ आज की भिक्षा तू लेके आऊंगा, निवला गुरु जी मैं कि हाँ आज भिक्षा तू लेके आओगा प्रसाद लेकर फिर आगे चलेंगे, और भिक्षा लेने के लिए गोरखनाथ गया पहली बार गया था उत्कल नगरी में, बहुत बड़ी नगरी थी, पांच चार घर गया कोई विशेष भिक्षा नहीं मिली, अन्यों को है श्राद्ध कनागतांग का टाइम था श्राद्ध का दिन था, उस ब्राह्मण के घर जाके छोटा ही था अलख जगा दी, उस माई को बड़ा अच्छा लग गया साधु कि छोटा सा साधु है, हाँ महाराज कि माई भिक्षा का उद्देश्य लेके आया हूं, उनने बना रखा हलवा पूरी पकौड़े और दही बड़े
और वो दही बड़ा और वो सारा लेके बड़ा खुश हुआ गोरक्षनाथ और गुरु मच्छंदर नाथ के सामने जाकर भोजन पेश कर दिया। और गुरु मच्छंदर नाथ मट्टा मट्टा हलवा खाव से, कदे पूरी खाव से, कदे पकौड़ा खाव से, अडकार ले और खाता खाता वाह भाई गोरखनाथ तू ले आखिर भाई भिक्षा तेरे के स्वाद सोता कोई नहीं लानता भाई तेरी इन्यू करेगा आखिरी में दही बड़ा खा के जब अडकार ली नहीं छोटी ली निमला गुरु जी क्या पेट भरया ने बोला भाई बात सुन ले भोजन तो तेरा सारा है स्वाद था पर यो आखरी में खाया था दही बड़ा भाई साथ मन कदे व्यंजन नहीं खाया। अरे भाई गोरखनाथ थोड़ी ही कसर रहेगी जयका देख दो दही बड़ा और मिल जाने तोड़ बैठ जा भाई इतनी कसर रहेगी। एक शिष्य का फर्ज गुरु का हर वाक्य मंत्र के समान है कि चुक्कर है क्या नहीं दे है गुरु का चुक्कर लग गए है बोले वो हाथ में चार कारतूस ठा रहा पिस्टल में गलिया कर वे और हम लेके जान लाग रहा नहीं बोला रेड टिकिजा है बोले वो उत्तल न मारूंगा रम मेर के उत्तल न मारूंगा बोला क्यों कर बोला चार कारतूस ले रहा मारूंगा बगा के शाणा मानस थाने बाबो बुद्धू डट एक टोकरा भर के कारतूस उत्तल का मार दे जबकि उत्तल मर रहे है निबला और निबला एक कारतूस पिस्टल में गाले के मार दे एक कदम मर जा। गुरु का वाक्य ऐसे असर करता है जैसे पिस्टल मां का कारतूस जागर हूं तो चाहे सारा दिन भ्या भ्या सुनो पर इन्हीं बातों को जब गुरु मारेगा न्यू मारेगा जो पिस्टल मां मारे अगर उड़ा ही लगेगा जड़े ठकाना हो जाए के कड़ा कई बात अच्छा है कि टोली सतगुरु जी तेरा शब्द ने सामने गोली सब विषय फूंक दिए बना के होली मतलब सतगुरु का निशाना गोली की डाल हो है। निवला गुरु जी आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है और दही बड़ा मैं और ला दूंगा के बात से और विचार करता फिर चल पड़ा निवला भाई दही बड़ा कड़े मिले वो उससे घर में मिला जिसमें पहले मिला था उससे घर आके जाकर फिर अलग जगा दी के तो बाबा अच्छा लग गया था उमाई ने और दोबारा देखा ना एकदम आख्या में खून उतरा ने बोली फिर आ गया तू पिटला सा भरया नहीं तेरा दोनों के सवाल जवाब होते हैं। हो भिक्षा तू और गालिए माई ले गया था माई फिर ए माई मन फिर जरूरत पड़गी मैं फिर आ गया मेरे गुरु का आदेश है माई के आदेश भाई मन तेरा खाना इतना स्वादिष्ट लग गया गुरु जी ने ओने बोले भाई वो दही बड़ा फिर लिया दे अरे चटोरा तेरा गुरु भाई माई नहीं और हो भिक्षा हा हा और गालिए माई नाथ बता क्यों तन नीत डगाई तू भिक्षा और गालिए माई नाथ बता क्यों तन नीत डगाई और गालिए माई नाथ बता क्यों तन नीत डगाई हो कै के हो कै भगमा पाने मैं करूं दही बड़े की आस गुरु ने ये खाने मैं भिक्षा और गालिए माई नाथ बता क्यों तन नील डगाई हो कै भगवा पाने मैं दही बड़े प्यास करू न चाहिए खाने मैं भिक्षा और गालिए माई अरे भिक्षा और गालिए माई नाथ पता क्यों तन नील डगाई हो कै भगवा पाने मैं करूं दही बड़े की आस अरे नित्य करी तेरी तो भाई गुरु न चाहिए खाने में मन नहीं चाहिए चटोरा तेरा गुरु दही बड़े चाहिए खाना दही बड़े मेरा गुरु पूरा पूरा है सिद्ध है
सटोरा नहीं है। सिद्ध कैसे होते हैं? कैसे होते हैं सिद्ध? मेरी बात सुन, कैसे होते हैं सिद्ध? कैसे होती है भक्ति? क्या कहा? पसंद करे जासे करे जा गुरु की टहल बजाते, क्यों गुरुवा के तो बंद लाते, क्यों गुरुवा के तो बंद लाते। नीत थारी नीत तेरी उतर भराने में, ओ कण कण ऊपर मोहर लगी अड़ दाने दाने मेरी भिक्षा और गाड़ी माई नात बना जो तर नीत जगाई हो गए भगवा वाले में नहीं बने किया सुन सही खाने मेरे भिक्षा और गाड़ी रूप परिवार की तरफ से 100 रुपए का इनाम दोनों भाइयों का 200 रुपए से मान सम्मान किया। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मंदर में डेरा यो जेरा लोग कसाई हो से जग में लोग हसाई हो से जेरा लोग कसाई हो से जग में लोग हसाई हो से हट हट के हट हट अलख जगाने में का आदेश री माई मन नहीं उलाने मन भिक्षा और गाली माई जो तर नीत जगाई हो गए भगवा बाणे में कई बड़े कियास गुरु ने चाहिए माने मन भिक्षा और गाली रही भली बुरी कहती रही आखिर जब होगी। पहला कमाल था गुरु गोरक्षनाथ का, ने बोला ए माई गणी बात ना लड़ाओ। और भाई मैं एक दही बड़े की आस लेके तेरे पास आया हूं, मेरे गुरु की इच्छा है उस एक दही बड़े के बदले में अच्छा तुम धरती की कोई चीज मांग ले मैं दूंगा। कोई चीज मांग लू तो मुंह तो काट, जो तू मांगगी वो दूंगा।
आप तो दोबारा जिम मन आया है, मन के देगा यो जिम मन नहीं आया और के करन आया, भिक्षा लेने आया हूँ गुरु के लिए, और एक दही बड़ा दे दे तुम और बदले में तू क्यों मांग ले। मेरी बात सुनिए, सुना दे। जन के बदले कुछ भी भोजन के बदले, अरे कुछ भी मांग लियो के जाने तू सरता मेरी, या मन आंख मांग ली तेरी, आंख मांग ली तेरी, एक दही बड़े के बदले में आख, एक आख, एक आख, हाँ निवली एक दही बड़ा ले दूंगी, एक आंख दे देगा। ओके जाने तू सरदा मेरी, या मन आंख मांग ली तेरी, जाने तू सरदा मेरी, या मन आंख मांग ली तेरी, तेरा ना लग कढ़ाने में, नहीं बड़ा ले आऊ हूं इतना ले पाइए आंख नाथ में, एक दही बड़े के बदले में एक आंख। अरे वाह तना मांगिया भी के होके जाने तू सरदा मेरी, या मन आंख मांग ली तेरी, ए जाने तू सरदा मेरी, या मन तेरना लग कढ़ाने में, ए न जान तलक की परवास है, मन गुरु जमाने मेरी रिक्शा और गाली माई नाथ बता जो तन नील जगाई हो गए बकवा मारे में, ए कर गई बड़े प्यास गुरु ने सही खाने नगद व्यवहार करे, नगद व्यवहार इस हाथ दही बड़ा देगी और इस हाथ आंख लूंगी, इस हाथ आंख लेगी, हाँ करड़ी है साबने से, हाँ ऐसा भी ठीक हो से, हाँ जा सू मैं वो जल्ले ले रहा बनिया का लाख रुपया, हर बनिया मांगण जा रही जब जल्ले रोला करते बनिया का रोला का जल्ले कर बनिया का ये हफ्ता रोला मत से, एक दिन सोचा भाई बनिया जीण नहीं देगा मट्टी पीटा का वा न्यारी, गर्मी का टाइम था धोती धोती में बाजी का कुएं में कूद गया, सारे काम आयर बोला जल्ले पड़ गया रहा, जल्ले कुएं में पड़ गया रहा, सारा काम जुड़ गया रहा, जल्ले ने बाहर काटो नहीं बोला नहीं मरूंगा भाई बार मत काटियो कभी नहीं भाई के बात, अरे जीना मुश्किल कर रखा लाला जी ने भाई खर्चा हो रहा मरेंगे, सारा काम बढ़िया कट लगा नहीं बोला लाला जी भाई भी मारा भाई है इसका तुम भाई क्या मैं ठीक है, लाला जी डर गया इतनी है बात होने लाड़े जो पंचायत करे मंजूर निबला, लाला जी आप दे माफ कर दे 50,000 दे देगा अनविलाड दे देगा कोई बात ना से चल्ले से भाई से दे देगा निबला, चल्ले आ जा बाहर 50,000 दे देगा निबला दे दूंगा भाई, चल्ले बाहर काट दिया बैठक मजाक हुक्का भर लिया, गर्मी का टाइम था महीना दो महीना लाला जी भी ना बोलिया, दो तीन महीने पास फिर लाला जी भी जान लग गया इतना साढ़े का टाइम हो गया, अर जाओ जब चोरी साहब जाते हैं गाड़ देने, अरे बारे वाले अरे मारा शर्म दर्द मत करे अरे घर मत आया करे निबले, अरे चल ले पीछे यार नहीं दे निबले मार गिर ला रखे सा हमने मार गिर ला रहा है निबले, अरे तू पीछे नहीं दे निबले बात सुन ले लाला जी घर मत आया करे निबले, और निबले पछले खरसा में आधे दे दिए थे खरसा आन दे आधे का अगले खरसा में फिर दे दूंगा न्यू है ऐसा अपन पक्की है, हाँ भाई न्यूनतम दही बड़ा देगी न्यूनतम लेगी, हाँ मैं चाहूँ अब अच्छे ओ
देख खून की धार चटका मारा पूतली के आंख धरी थी बारे अरे यो के करया भाई कारिया कठिन बड़ी ओखी से तेरी ते चली लहर चोखी से कारिया कठिन बड़ी ओखी से तेरी ते चली लहर चोखी से सतके ये सतके के सतके छंद बनाने में ओ विकास काट ले उम्र तेरी अरे का गुण गाड़ी भिक्षा देगा बाजले युवा दे खून की धार अरबला झटका मारिया पूतली का आंख धरी थी बार कारिया कठिन बड़ी ओखी है तेरी तो चली लहर चोखी है सत के छंद बनाने में हर विकास काट ले उम्र तेरी हर का गुण गाने में वा तो बाजली पर भिक्षा लेके गोरक्षनाथ जी गए नहीं उड़ा आंख धर रात पे उड़े आग दर जाने बोला ए माई हा भाई होली मेरी आंख ले लिए माई अरे यो के करया भाई तने अरे यो के करया देख खून पड़न लाग रहा अरे कती फोड़ ली तन तो भाई तन कई थी माई जब फोड़ ली अरे मैं तन्नू ये करूं थी भाई हे ले मेरी आँख ले लिए माई हे रे के करना से भाई होले तो आँख ले लिए भाई रे मन के करना से भाई मन है कुछ हो सना रहा मेरा भी तो सना रहा कुछ होश ना रहा मेरा भी तो होश ना रहा मन तो तेरे जबान पूरी करी है और सुन हाँ भाई इस देश की तरह इस दुनिया की तरह मेरा जन्म नहीं है मेरा जन्म देने वाला मेरा माँ मेरा बाप मेरा गुरु है उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है अरे भाई धोखा हो गया मेरे गेल सुन ले मेरी बात Oh!
ना तो हरदा साफ मेरा ए मेरा नात मेरा कर दे माफ कसूर भरे रहो भंडारे भरपूर माफ मेरा कर दे नात कसूर भरे रहो भंडारे भरपूर दूर या जाना बात पर बुढ़िया ना धरती बीड़ी होगी बाजा दौड़ माच की निवली रे भाई कसूर हो गया रे भाई गलती होगी रे निवला ए माई तू विलाप मत करे तेरा दोष नहीं है और सरे आप पकड़ तेरा दही बड़े का दाम हो गया अनरथ यो सरे आप पकड़ तेरा दही बड़े का दाम थाम तेरी कर दी मन की चल पड़ते हैं क्या संदेश दिया है चौथी गली
हरी भजन में सांस मनुष्य का कटना चाहिए से चाहिए से के रटना चाहिए से जगदीश विकास क्यों करे जगत की रीस के रटना चाहिए से जगदीश विकास क्यों करे जगत की रीस शीस दे शुद्ध लेंगे रघुराई कथा मैं लिख चुका हूँ, इससे आगे मैंने लिखी नहीं है। मैं एक एक भजन इसमें जोड़ता रहता हूँ जितना समय मिलता है। अच्छी लगी हो तो सही ताली बजा दो, मन बेरा लगा मैं भी लगा रहा हूँ। सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम।